स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिआं दा। सो एक बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक है कैनेडा नाल रिलेटेड, अज डिस्कस करांगे फंड्स ते इनकम, खास तौर पर फंड्स शो करने चाहिए नहीं करने चाहिए, किन्ने फंड्स शो करने चाहिए आ, ये सारिया गल्लां डिटेल दे विच थोड़े नाल डिस्कस करांगे। सो शो नू एंड तक जरूर देखो। अज दे साडे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्री अकाल। कंवर साहब, फंड्स ते इनकम नू लैके असमंजस क्यों है कि गाइडलाइनस क्लीयर नहीं हैगी? देखो सर, हजे भी कई रिफ्यूजल है सितंबर से दिखे जिहड़े इस करके है, और इहदा मेजर कारण जिहड़ा समझ आउंदा है कि एजेंट्स का ओवर कॉन्फिडेंस, जिहड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है वह हमेशा लैके बैठता है। और इस बार जिन्नी फाइलों कैनेडा च लगियां सीगियां तकरीबन 60% बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस लैके बह गया, या वो एजेंट नू ओवर कॉन्फिडेंस लैके बह गया। और जो सक्सैस रेट मैं मार्केट च सुनता एजेंट अपने मुँहों 50% कहिंदा, मतलब एक्चुअली वह घट होएगा। सो हुण जिहड़ी प्रैक्टिकली गल है कि जिहड़े फंड है, चाहे तुहाडा केस दोस्तों एस डी एस है तो चाहे नॉन एस डी एस है, वह फंड नाल कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। चैकलिस्ट दोनों के फंड नहीं आते। सो यू कैनेडा दे विच जरूरी है कि अगर तुसी फाइल ला रहे हो तो फंड ते इनकम दो अलग अलग पहलू ने, सेम नहीं गा। लोग की कर रहे हैं कि वह फड़ के सी ए रिपोर्टा ही 4-4 करोड़ दियाँ 5-5 करोड़ दियाँ ला रहे हैं, इतने कोई वीज़ा ऑफिसर तुहाडी प्रॉपर्टी या प्लाट नहीं आके देखन लगा कि वह करोड़ का कि 5 करोड़ का, ठीक है जी। उन्हें देखने आ और मनने आ वो कागज़ जिन्हां दे उत्ते सरकारी मोहर है और वो ऑनलाइन है। सो इत्थे चलूगी सिर्फ तुहाडी ITR इनकम टैक्स रिटर्न प्लस तुहाडा चलेगा बैंक का अकाउंट, चाहे पैसे तुसी FD दे रूप च दिखा दो ते चाहे सेविंग अकाउंट दे रूप च दिखा दो, दो ही तरीके है। हुण इहदे विच जिहड़ी मेजर पार्ट आ जांदी है कि किन्ने किन्ने जरूरी। सो अगर तुसी जा रहे हो 2 साल या इस तो ज़्यादा पढ़ाई ली, मतलब 1 साल तो उपर उपर वाली पढ़ाई ली, तो जिहड़ी तुहाडी इनकम है वह तकरीबन 8-10 लाख दे विच होनी चाहिए। हुण इनकम किहदी होनी चाहिए है, यह होनी चाहिए है पहली कोशिश की पेरेंट्स की, मम्मी ते पापा की, फादर मदर की, दादा दादी की नहीं, चाचा चाची की नहीं, पहली प्रैफरेंस फादर ते मदर की। हुण कईआं दे अनफॉर्चुनेटली किसी के मदर मिसिंग होंगी है, किसी के फादर मिसिंग होंगे ने, उस केस के अच्छा तुसी किसी एक की भी स्ट्रोंग इनकम दिखा सकते हो, और नॉर्मली भी तुसी किसी एक की अगर 8-9 लाख की रिटर्न चाहती है तो तुसी वही दिखा सकते हो, सफिशेंट है। नहीं है तो तुसी दोनों दियाँ 4.5 लाख दियाँ रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिन्हें उत्ते तुहानू कोई टैक्स भी नहीं पैंदा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, और तुहाडी जिहड़ी टोटल रिटर्न है वह 9 लाख की बन जाती है बिना कोई टैक्स दिते। सो यह इनकम टैक्स रिटर्न तुहाडे कोल होनियां लाजमी ने। पहली कोशिश माता पिता की, दूजी कोशिश वड्डे भैन भरा या सिस्टर की अगर लोड पैंदी है। और इस तो इलावा फंड की गल करिए तो फंड किन्ने शो करने, सो जो तुसी 2 साल या उस तो ज़्यादा कोर्स भी जा रहे हो तो तुहाडे जिहड़े फंड है वो तुहाडी सैकेंड ईयर फीस तो इक्वलेंट होने चाहिए या 1-1.25 लाख वो वध होना चाहिए, मतलब दूसरे साल की फीस ताडे कोल सेफ पई होनी चाहिए है, यह तुसी दिखा सको। GIC तुसी दे चुके हो, 1 साल की लिविंग कॉस्ट दे चुके हो, और सॉरी फीस दे चुके हो, GIC दे चुके हो। उस तो इलावा जे तुहाडा कोर्स हुण 2 साल का है तो दूजे साल की फीस जिन्ने फंड, हुण दूजे साल की फीस जिन्ने फंड, मैं शब्द इसलिए वरत रहा क्योंकि कोई बच्चा डिप्लोमे च जाऊगा वह 10 लाख ना सर सकता, 11 लाख ना सर सकता, जिहड़ा बच्चा डिग्री च जा रहा उहदे लई दूजे साल के फंड 12 लाख 14 लाख 15 लाख अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी फी वध घट सकते हैं। सो अपनी सैकेंड ईयर फीस जिनी तुहाडी बनती है वह तो 1 लाख रुपया उपर दिखाओ, और जिहड़ी तुहाडी इनकम है वह दोनों माता पिता की मिला के या कल्ले दी मिला के वह तकरीबन 8-9 लाख दे विच, 8-10 लाख दे विच विच घट्टो घट रहनी चाहिए। फंड्स किन्ने क पुराने होने चाहिए? फंड कैनेडा दे विच किसी तरह के पुराने की लोड़ नहीं है, सो तुसी नवे फंड भी दिखा सकते हो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, दे विल बी एक्सेप्टेड। कट्ठी एक अमाउंट भी चल जाएगी? यस, वो ना कोई फर्क नहीं पैंदा जी, तुसी वो फंड कितों ट्रांजिट किए हैं और तुसी वो फंड किन्ने क पुराने हैं, यह चीज़ों की लोड़ नहीं गी। फंड होने जरूरी है और उदों तक रहने जरूरी है जिन्ना चिर वीजा नहीं आता।
ਸੋ ਕੈਨਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਅਪਡੇਟਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।